पंजाब यूटी मुलाजिम व पेंशनर सांझा फ्रंट का रोष हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। 3 सितंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में पंजाब यूटी मुलाजिम व पेंशनर सांझा फ्रंट की एक बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि अगर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाती है तो चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में एक विशाल रोष रैली का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री की आवास की तरफ रोष मार्च निकालकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इस बाबत कर्मचारी संघ ने सरकार को एक पत्र भी जारी किया था, जिसमें सरकार को चेतावनी दी गई थी कि अगर आप कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं करते हैं तो 11 सितंबर को एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में किया जाएगा, जिसमें 1,00,000 से ज्यादा कर्मचारी मुख्यमंत्री के आवास की तरफ मार्च कर घेराव करेंगे। इसके साथ कर्मचारियों द्वारा 6 से 10 सितंबर तक रोष सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें सभी कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर अपनी ड्यूटी के दौरान रोष प्रकट करेंगे और पूरे पंजाब में रोष रैलियां होंगी, जिसमें काले झंडे दिखाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे हैं, वह है सबके लिए 2.72 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर और अनरिवाइज्ड व पार्शियली रिवाइज्ड कैटेगरीज को 3.01 व 2.89 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसके अलावा पुरानी पेंशन को बहाल करना, कच्चे मुलाजिमों को पक्का करना, झाड़ीदार व मान भत्ते वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन आदि अन्य मांगों को भी पूरा करने के लिए सरकार से आग्रह किया गया है। 26 अगस्त की कैबिनेट में सरकार ने कुछ मांगों का निपटारा भी किया था, जहां CPF NPS कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन को बहाल किया गया था व कर्मचारियों के लिए 31 दिसंबर 2015 के वेतन पर 15% न्यूनतम वृद्धि को सुनिश्चित करने का फैसला कैबिनेट द्वारा लिया गया था, लेकिन आज तक इसकी अधिसूचना नहीं हो पाई है। कर्मचारी अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये वृद्धि 1 जनवरी 2016 की जगह 31 दिसंबर 2015 के वेतन पर दी जा रही है, जो तर्कसंगत नहीं है। इसलिए कर्मचारियों ने इसे नकारते हुए सभी के लिए 2.72 गुना की मांग की है। कर्मचारियों और सरकार के बीच किसी तरह की सुलह होती नजर नहीं आ रही है और इसीलिए सरकार ने नए वेतनमान में विकल्प देने की समय सीमा को 4 नवंबर तक बढ़ा दिया है।